बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ क्लासिक सिनेमन स्टिकी बन। ठीक है, तो ये मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर ये मैं डाल रही हूँ ये वाला मेजरमेंट वाला 1 कप एंड 1/4 कप। ठीक है, ये है 1/3। ठीक है, 1/4 कप मैं डाल रही हूँ। तो मैं इसको वेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये चाहिए, दैट्स व्हाई। ये डाल दिया, इसको मैं आप चूल्हे पे भी इसको वार्म कर सकते हैं, आप माइक्रोवेव कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको चूल्हे पे वार्म करूंगी। इसमें डालूंगी मैं ये वाला 1/3 ही जो बटर का 2 टेबलस्पून हो, तो ये जो है ये बटर जो है ये बन जाता है इतना। ठीक है, तो ये भी मैं इसी के अंदर डाल के इसको थोड़ा सा वार्म अप कर लूंगी, तो फिर बाकी चीजें जो मैं इसमें ऐड करूंगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, चल अब मैं इसको जो है चूल्हे पे वार्म करूंगी, फिर मैं आपसे जो है इसको वार्म कर लिया है। ये देखें, बटर और दूध को मैंने चूल्हे पे वार्म कर लिया है, आप माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। अब मैं ही डाल रही हूँ इसको, अब मैं बना रही हूँ मशीन में, आप हाथ से भी बना सकते हैं लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है तो इसलिए। ठीक है, ये कर दिया और अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये है एक्टिव ड्राई जो है, एक होती है क्विक रेज वाली, एक होती है एक्टिव ड्राई। क्विक रेज वाली जो है, राइस वाली जो है वो नहीं, ये वाली जो आपने डालनी है, ये है 1 टेबलस्पून। आपने 1 टेबलस्पून इसको इसमें, ठीक है, 1 टेबलस्पून ये डाल दी। और इसमें डाल रही हूँ मैं 1/4 टीस्पून जो डाल रही हूँ सॉल्ट, 1 जो है ये है 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून नहीं सॉरी, ये है 1/2 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 अंडा, और ये है हमारी जो वाइट शुगर होती है वो है, ये मैं डाल रही हूँ 1/4 कप। ये देखिए 1/4 कप जो है, ये फुल भर के 1/4 कप जो है मैं ये डाल रही हूँ। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3.5 कप जो है ऑल पर्पस फ्लावर है, ऑल पर्पस फ्लावर, आप मैदा जो है ये हमेशा हमारे घर में जो है आम होता है, ये आम चीज़ें हैं जो घर में होती हैं, तो आप ये बड़े इजीली बड़े अच्छे जो हैं ये बना सकते हैं। ठीक है, 1, इसको साइड पर कर लेते हैं। मैं डालूंगी 3.5, ठीक है, 2, एंड हाफ। ठीक है, अब मैं इसकी अच्छी सी डो बना के तो इसको मैं रख दूंगी, 90 मिनट्स से 2 आवर तक आपने इसको रेस्ट देना है, रखना है। ठीक है, डो जो है मैंने बना ली है, बहुत जल्दी बन जाती है, हाथ से बनाए तो भी जल्दी बन जाती है। तो मैंने क्या किया, एक बॉल लिया है, इसके अंदर कपल ऑफ ड्रॉप जो है मैं ऑयल लगाऊंगी। इसको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 90 मिनट्स से 2 आवर आपने इसको डो को जो है रेस्ट देना है। ठीक है, तो अब डो जो है मैं इसमें रख दूंगी, स्टिकी डो कितनी अच्छी जो है ये बन गई। ठीक है, अब इसको कवर करके तो मैं ऐसे ही इधर वर्किंग एरिया पे काउंटर पे ही साइड पे रख दूंगी। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आप जब ये डो जो है रेडी हो जाएगी। ठीक है, 2 आवर के बाद इंशाल्लाह फिर
मैं आपसे मिलूंगी। जो मैंने ये डो बनाई थी ये देख लें, 2 आवर इसको हो गए हैं, ये कितनी अच्छी जो है ये डबल फॉर्म में जो है आ चुकी है, राइज हो चुकी है। अब ये मैंने लिया है एक पैन और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप जो है मेजरमेंट वाला, 1 कप पानी डालूंगी। पहले मैं इसमें शुगर डाल रही हूँ, ठीक है, ये है क्योंकि कप मेरा वेट हो जाएगा, दैट्स व्हाई। ये है लाइट ब्राउन शुगर, ये 1 कप मैं डाल रही हूँ। ये मेरे बच्चे जो है ना पीछे चीख रहे होते हैं, ये देखिए 1 कप मैंने इसमें डाली शुगर, थोड़ा कम था तो मैं थोड़ा पूरा कर लेती हूँ। हाँ जी, ये हो गई। और इसमें डाल रही हूँ मैं 1 कप जो है ये हाफ कप जो है मैं पानी डालूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। ये हाफ कप डाला पानी और हाफ कप ही मैं डालना है बटर। अब मैं कप के साथ मेजरमेंट करके नहीं डालूंगी, मैं ऐसे ही डाल लूंगी क्योंकि मुझे पता है कि हाफ कप कितना है, ठीक है। ये डाला बटर, ठीक हो गया। अब मैं ये बाजू जितने पहनने में अच्छे लगते हैं इतने काम करने में बड़े गंदे लगते हैं, ठीक है। और इसमें मैं डाल रही हूँ ये मेपल सिरप है 1/2 कप में, ये थोड़ा थिन होता है। और ये वाला जो है ये अंजुमामा वाला जो है ये थोड़ा थिक होता है। अगर आपने ये यूज़ करना है तो आप 1 कप पानी का इसमें ऐड कीजिए, ठीक है। मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, ये थोड़ा पतला है तो मैं 1/2 कप पानी यूज़ कर रही हूँ। ये यूज़ करना है तो 1 कप मेजरमेंट वाला इसमें पानी जो है यूज़ कीजिए। तो मैंने ये वाला किया है तो मैं 1/2 कप यूज़ कर रही हूँ। और 1/2 कप जो है मैं इसमें मेपल सिरप डालूंगी। ये देखिए, तो अब मैं इसको क्या करूंगी, इसका बना लूंगी सिरप। चूल्हा ऑन करके इस पे रखती हूँ मैं। चलो कैमरा कर लेते हैं थोड़ा साइड पे। तो साथ में मैं क्या कर रही हूँ, मैं अवन जो है 350 पे प्री हीट कर रही हूँ। अब मैं जो है चूल्हे को ऑन कर रही हूँ तो इसको मैं स्टिकी जो है ये वाला जो है बना रही हूँ, ये सिरप बना के। तो फिर मैंने डालना है इस ट्रे में, मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ। ये देखिए इस ट्रे में मैं डालूँगी। तो ये देखें इसका जो है सिरप मैं तैयार कर रही हूँ, हुई स्टिकी। ये देखिए इसको थोड़ा सा मैं और 2 मिनट्स के लिए मैं इसको बॉयल करूँगी, तो फिर मैं इसको डाल दूँगी पैन में। साथ में मैं प्री हीट कर रही हूँ अवन को। ये देखिए कितना अच्छा जो है ये बन रहा है। देखा कितना अच्छा बन रहा है ये। सिरप जो है ये तैयार हो गया है, ये देखिए बहुत जल्दी से ये तैयार हो गया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं डाल रही हूँ ट्रे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये थोड़ा संभल के काम जो है करना होता है कि समटाइम कुछ चीज़ें ज़्यादा गर्म होती हैं, बल्कि ये ज़्यादा गर्म है। तो मैंने ये एक ले लिया पैन, आपको नज़र आ रहा है, मैं देख लेती हूँ। जी माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा है। तो अब ये मैं डाल रही हूँ इसमें, ठीक है। इसको कर लूँगी मैं थोड़ा साइड पे। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ये है मुझे थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए थी इसलिए मैंने जो है वो बोर्ड के ऊपर नहीं रख रही हूँ। ये थोड़ा सा मैंने आटा
ये मैंने जो डो बनाई थी वो निकाली, ये देखिए ठीक हो गया। अब मैं ले रही हूँ एक बॉल, ये मैंने लिया एक बॉल, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हाफ कप ये लाइट ब्राउन शुगर, ठीक है हाफ कप जो है मैंने शुगर डाली है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ वन टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ इसमें सिनेमन पाउडर, ये 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया सिनेमन जो है पाउडर। तो इसको मैं अच्छी तरह, ये देखें हाथ से ही मैंने इसको मिक्स कर लिया, चल इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ डो को बना रही हूँ, कोई काम नहीं यहाँ पे। ये आपको इक्वली जो है यहाँ से आपने ओवल शेप में इसको बना लेना है। चलो इस पे लगा रही हूँ अब मैं बटर, आप चाहें तो आप बटर जो है वो करके माइक्रोवेव में लगा सकते हैं, तो खैर मैं ऐसे ही जो है लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव करके तो आप ब्रश की मदद से भी आप इसको जो है वो अप्लाई कर सकती हैं, तो मैं इससे लगा रही हूँ, यूज़ इसको कर रही हूँ बटर नाइफ को, क्योंकि बटर जो है वो सॉफ्ट है रूम टेम्परेचर में है तो वो कोई मुश्किल नहीं है लगाने में, ठीक है ये सब जगह पे ऐसे लगना चाहिए, ठीक हो गया। देखो कोई मैंने कोशिश की है कि सब जो है वो लग जाए, ठीक हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ इसके ऊपर मैं ये जो शुगर और सिनेमन जो है जो मैंने मिक्स करके रखा है वो मैं डाल रही हूँ, सारा इक्वली आपने अप्लाई करना है, ठीक है। ये देखें जो मैंने सिनेमन और शुगर बनाया था वो सारा मैंने इस तरह जो है वो लगा लिया है, ऊपर डाल लिया है। अब इसको करना है आपने इसको अच्छी तरह आप लोगों ने रोल करना है, ये देखें ठीक है। इसको अच्छी तरह दबा के आपने इस तरह जो है रोल कर लेना है, ठीक है। अब मैं इसको काट रही हूँ, आप चाहें तो ये नाइफ से काट सकते हैं, आप चाहें तो आप एक थ्रेड से काट सकते हैं, आपकी मर्जी है।
ये देखिए इक्वली, चलो मैंने ये काट लिया, एक बड़े सारा जो है वो काट लिया है। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। ये सिरप डाला था नीचे, उसके अंदर देखें ये मैं बना के तो उनको रख रही हूँ। ये देखिए अच्छी तरह जो है, ये इसमें थोड़ा स्पेस रखना है आप लोगों ने, क्योंकि मैं इसको हाफ एन आवर के लिए मैं इसको फिर रेस्ट दूंगी। ये देखिए ठीक है, कितनी अच्छी जो है इसकी लेयर जो है ये बन रही है। रख लिए हैं, अब मैं इनको क्या कर रही हूँ हाफ एन आवर के लिए और मैं इनको रेस्ट दूंगी। ठीक है, अब मैं ऊपर इसके टी टॉवल भी दूंगी, क्योंकि ये इसलिए दे रही हूँ कि वो नीचे से सिरप के साथ और इस चीज़ के साथ ये ख़राब ना हो। दैट्स व्हाई चलो कोई नहीं, इसका ऐसा ही है, सिर्फ ये है कि थोड़ा सा इसको ऊपर से कवर कर दूँ और मैं ऊपर दे रही हूँ इसके टॉवल। अब मैं इसको हाफ एन आवर के लिए और रेस्ट दे रही हूँ, तो फिर मैं इसको ओवन में रखूँगी। ठीक है, मैंने हाफ एन आवर इनको टी डबल ऊपर दे के रख लिया था। ये देखिए कितने अच्छे जो हैं ये खुल गए हैं। तो जो ओवन है वो प्री हीट मैंने किया है 350 पे, तो अब मैं इनको दूंगी 20 से 25 मिनट्स। ठीक है, अब मैं रख रही हूँ इनको। चलिए अब आपसे मिलूंगी मैं 25 मिनट के बाद। वो तैयार हो चुके हैं, तो मैं उनको ओवन से निकाल रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह गोल्डन जो है गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ इनको मैं जो है बोर्ड पे निकाल लूँगी। ठीक है, परफेक्ट सिनेमन रोल जो है तैयार। ये मैंने देखो बोर्ड के ऊपर उठा लिया है इसे, क्योंकि कितने मज़े के बने हैं ये, बहुत गर्म हैं ये देखिए। ठीक है, तो आप भी ज़रूर बनाएं, बड़ी अच्छी रेसिपी है ये, बड़ी इजी है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। तो इंशाल्लाह मिलूंगी एक और अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं, बहुत मज़े के बने हैं, ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह हाफिज़।